जी आप ये देख सकते हैं शेख साहब नीचे गिरने लगे थे। जी नाजरीन, तो शेख साहब तो रोने पे आ गए, रो रहे हैं पुलिस वालों के गले लग लग के। ये वही बंदा है ना जो कहता था कि जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है, मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता। इस बंदे ने क्या क्या नहीं किया आप लोगों को सब पता है। इस बंदे ने मुआशरे में, हम लोगों में वो बिगाड़ पैदा किया जो आप सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच है। बगावत पे इस बंदे ने उकसाया। इमरान खान के जलसों में ये क्या कहता था, जलाओ, गिराओ, मार दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन इसको ये याद नहीं था कि किसी दिन मैंने भी पकड़े जाना है। अब ये पकड़ा गया है तो इसकी चीखें ही बंद नहीं होती। इसकी चीखें और भी हैं मेरे पास, आप देखें आगे, मैं आपको दिखाता हूँ, चलें देखते हैं। गिरफ्तार करके ले जा रही और मैं जा रहा हूँ, उन्होंने मेरे घर के सारे दरवाजे तोड़ दिए और मुझे पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है बगैर किसी वारंट के और बगैर किसी गिरफ्तारी के। साहब आपको क्या खदशा है पुलिस से, क्या खदशा है आपको, क्या खदशा है? मुझे जान का खतरा है, पुलिस की हिरासत में मुझे जान का खतरा है। मेरा जुर्म ये है कि मैं इमरान खान के साथ हूँ और मैं 16 दफा वजीर रहा हूँ। मुझ पे 16 वजारतों में करप्शन का कोई केस नहीं है, 16 वजारतों में करप्शन का कोई केस नहीं है, सिर्फ राणा सिनाजा को और बिल्लो रानी को। बिल्लो रानी का भी मेरे साथ टेस्ट किया जाए, बिल्लो रानी का डीएनए किया जाए, वो आगे से परवेज नजर आता है, पीछे से परवीन है। हाथ पीछे हटाओ, हाथ पीछे हटाए, जब तक आप रिजल्ट नहीं देंगे। भाई मुझे इशारा भी नहीं आता तो कहाँ से दूँ मैं, फर्स्ट रेट का मरीज हूँ, मुझे अभी तो ये मैं अदालत से कह चुकी हूँ, मैं बंद कर अदालत में जाऊंगा, अदालत बताऊंगा, फिर टेस्ट। जी आप ये देख सकते हैं शेर साहब नीचे गिरने लगे थे।